हाय एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं रमज़ान स्पेशल में दही वड़ा। तो सुपर सॉफ्ट दही वड़ा बनाने की रेसिपी आज हम शेयर करने वाले हैं, जिसके लिए इंग्रेडिएंट्स है। तो इसमें सबसे पहले देखिए, 50 ग्राम उड़ीद का दाल है और 100 ग्राम मूंग का दाल है। इसको मैंने 6-7 घंटे भिगो दी थी, अच्छे से भीग गया। उसके बाद में धो करके इसको, और 2 हरी मिर्ची है, थोड़ी सी अदरक का टुकड़ा, इसको मैंने आज पहले पीस ली हूँ। थोड़ा समय कम है इसके कारण दिखाई नहीं हूँ पीस करके। और इसमें ऐड करने के लिए देखिए, यहाँ पर पानी है, पानी का भी यूज होगा। और इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। और इसके लिए देखिए, इधर अनार है, अनार यूज होगा उसमें। और इधर 1 छोटा चम्मच काली मिर्च जीरा पिसा हुआ है, और ये काला नमक है, और 1 चम्मच ये लाल भुखी मिर्ची पाउडर है। और इधर इमली की चटनी है, खट्टी मीठी। और इधर सेव है, और यहाँ देखिए 1/2 किलो दही है, इसमें ऐड होगा। और इधर चटनी के लिए देखिए, ये देखिए, इसमें हम एक इंस्टेंट चटनी बनाएंगे। तो इसके लिए थोड़े से इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जैसे कि ये हरा धनिया, पुदीना, ये हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, और ये काला नमक और वाइट नमक। और ये जलजीरा पाउडर है, तो इसमें ऐड होगा। यहाँ पर जब बन जाएगा तो ऐड करेंगे। तो यहाँ चटनी के लिए देखिए, सबसे पहले हम चटनी की तैयारी कर लेंगे। इसमें मैंने दाल पीसी थी, तो इसमें भी आप चटनी बना सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है मतलब। और इसमें देखिए, यहाँ पर लहसुन, अदरक और ये हरी मिर्ची है, सब ऐड कर देंगे। नमक है, नमक ऐड कर देंगे, और थोड़ी सी पानी ऐड कर देंगे। और हम इसे सबसे पहले पीस लेंगे चटनी। ये देखिए, ये इंस्टेंट ग्रीन चटनी बनके तैयार हो गई है। अब यहाँ पर देखिए, इसको मैंने पहले से फेंट ली हूँ, अभी थोड़ा सा और फेंटने का है। अब जितना फेंटेगा ये डबल हो जाएगा, मतलब 1 घंटा पहले पीस के रख लेना है। इस तरह से मिला लेना अच्छे से, माशाल्लाह अच्छा बनेगा। अब इधर दही है मेरे पास, तो दही भी हम थोड़ा इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बारीक कर लेंगे एकदम। दही को भी अच्छी तरह फेंट लेना है, इसमें एक भी लम्स नहीं होनी चाहिए। अगर से आपके पास डबल बीटर है तो उससे भी आप बीट कर सकते हैं। और आज हम इसको इस मोल्ड में बनाएंगे, इस तरह के जो मोल्ड होते हैं, ये अप्पे मोल्ड है। आप इडली के बर्तन में भी इसको स्टीम कर सकते हैं। तो ये जो मोल्ड है, इसको हम हल्का सा ग्रीस कर लेंगे तेल से, और इसमें ये जो बैटर तैयार है उसको फिल कर देंगे। बहुत ज़्यादा इसमें नहीं भरना है, क्योंकि ये डबल होता है स्टीम करने के बाद। ये देखिए, इस तरह से फिल कर लेना है मोल्ड को। अब हम इसको स्टीम कर लेते हैं। ये देखिए, इसको हम 10 से 12 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। पहले हाई फ्लेम पे रखना है 2 मिनट, फिर मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पका लेना है। हाय गाइस, यहाँ पे ना एक करेक्शन है कि ये जो हम बनाएंगे ना दही वड़ा के लिए वड़ा, तो इसको अप्पे मोल्ड में नहीं बनाना है, क्योंकि इसको भाप पे हमको पकाना है। तो इस तरह की जो इडली स्टैंड होते हैं, हमको इसमें रख लेना है। ये देखिए, इससे ये अच्छी तरह स्टीम हो जाएंगे। अब हम इसको 10 से 12 मिनट के लिए स्टीम पे रख देंगे। ये देखिए, पहले हाई फ्लेम पे रखना है, उसके बाद मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकाना है। ये देखिए, अब हम इसको एक टूथपिक से ऐसे चेक कर लेंगे, ये बिल्कुल भी ड्राई होना चाहिए। ये देखिए, इसमें हल्का सा भी ऐसे गीलापन है या तो फिर हम इसको थोड़ा और स्टीम कर लेंगे। अब ये देखिए, बनके तैयार हो गया। तो यहाँ पर हम चूल्हा बंद कर देंगे और थोड़ा सा ठंडा करके हम पानी में डिप कर लेंगे। और इसमें इस पानी में नमक ऐड करना है बस, और कुछ नहीं। ये देखिए, ये हल्का ठंडा हो गया है,
अब हम इसको ये नमक वाला जो पानी है उसमें डिप कर देंगे 10 मिनट के लिए, तो इससे ये स्पंजी हो जाएगा। आपको जितना खाना है आप उस हिसाब से इसमें डिप कर लेना है। ये देखिए, आप इसको ऐसे हल्के हाथ से प्रेस करना है, दबाना नहीं है, हल्के हाथ से ऐसे निचोड़ना है और ऐसे एक छन्नी में निकाल लेना है। तो ये से ये स्पंजी हो जाएगा, मीन्स कापूस जैसा सॉफ्ट। ये देखिए, अब यहाँ पर हम दही वड़ा असेंबल कर लेंगे। यहाँ पे इस तरह से एक प्लेट में 6 से 7 दही वड़ा है। ये जो वड़ा है सिंपल प्लेन, इसको ऐसे सजा लेना है। उसके ऊपर ये फेटी हुई दही डालेंगे हम सबसे पहले, और ये जो फेटी हुई दही है इस पे स्प्रेड कर देंगे अच्छी तरह। ये देखिए, इस पे अच्छी तरह से दही स्प्रेड कर देना है, बिकॉज़ ये मेन इंग्रेडिएंट है। और इसके ऊपर हम ये जो 2 तरह की चटनी है, ये इंस्टेंट ग्रीन चटनी, ये हल्का हल्का सा ऐड करेंगे। अगर आपको ज़्यादा तीखा खाना है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इस पे ये जो इमली की खट्टी मीठी चटनी है ये भी हल्का सा ऐड कर देंगे। थोड़ा आप चाहे तो इसे पतला भी कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा है। इसको पतला करने के लिए आपको 1 कप गर्म पानी इसमें ऐड कर देना है बस। अब हम इस पर ये जो मसाला है हमारे पास, ये हल्का हल्का सा छिड़क लेंगे, जैसे कि ये जलजीरा पाउडर है, आप इस पर चाट मसाला भी छिड़क सकते हैं हल्का हल्का सा। और ये देखिए, ये काला नमक है, और भुना हुआ जीरा पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड करेंगे। और अब हम इसको ये जो सेव है इससे थोड़ा सा और सजा लेंगे। और ये अनारदाना है, ये भी इस पर ऐसे छुड़ा लेना है पहले, और इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जो ऐसी रेसिपीज़ होती है जो कि थोड़ी सी यूनिक होती है, उस पर ये अनारदाना ऐसे ऐड कर देना है। और ये देखिए, ये हरा धनिया है, इससे भी थोड़ा सा सजा लेंगे। धनिया पुदीना ये सब खाने में शामिल करना चाहिए।
ये देखिए सुपर सॉफ्ट दही वड़ा बनकर तैयार हो गए हैं। अगर से आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए।